नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। भारत के चंद्रमा मिशन की सफलता ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी। शीर्ष समाचार साइटों ने इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24 और बीबीसी उन समाचार साइटों में से थे जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की सराहना की। सीएनएन ने कहा, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब है। 23 अगस्त 2023 को भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अब तक कोई नहीं कर सका था। भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान को लैंड कराकर इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करा दिया। यह कारनामा कर दिखाया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो इससे पहले ही साल 2019 में एक प्रयास कर चुका था, लेकिन तब वह सफल नहीं हो सका था। इस बार इसरो ने चांद पर झंडा गाड़ दिया। भारत की इस सफलता को दुनिया भर के नेताओं ने सराहा और भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी। भारत ने चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में सफलता हासिल कर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख दी है। चंद्रयान 3 की खासियत है कि यह बिल्कुल स्वदेशी है, जिसे भारत ने अपने दम पर तैयार किया है। यह कामयाबी अंतरिक्ष अभियानों के लिए मील का पत्थर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब विपक्षी एकता की ब्रॉडगेज लाइन पर आ गई हैं। पिछले कुछ सालों में जब तब उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना छलक पड़ता था, उनकी पार्टी पूरे बंगाल में पोस्टर लगवाती थी। अब इन पोस्टरों को तेजी से बदले राजनीतिक हालात की हवाओं ने फाड़कर उड़ा दिया है और वह कांग्रेस के झंडे तले ही विपक्षी राजनीति करने पर मजबूर हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए 4 दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम में चुनाव प्रक्रियाओं की बारीकी से जानकारियां दी जा रही हैं। मिजोरम में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल पर गैंट्री गिरने से 18 मजदूरों की मौत हो गई, 5 लापता हैं। प्रभावित लोगों में ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। घटना के वक्त 35 से 40 मजदूर मौजूद थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। रेलवे ने कहा है कि एक तरह की क्रेन मशीन गिरने से हादसा हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया है। मंडी के कोटला, देओरी और पंडोह में बुधवार सुबह बादल फटने से तबाही हुई है। इससे मंडी के थुनाग में 2, गोहर, बाली चौकी, सदर और पंडोह में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। वहीं शिमला के मशोबरा बल्देया में भी दंपत्ति की मलबे में दबने से जान गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।